हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग कलर टेलीविज़न के बारे में जान रहे थे। तो कलर टेलीविज़न का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आज मैं बताने जा रहा हूँ, और ये हमेशा सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 6 नंबर में आपको आएगा ये क्वेश्चन, 6 नंबर में या 4 नंबर में। दो सिस्टम के बीच में कंपैरिजन करने का या डिफरेंस लिखने का या कंपैरिजन करने के लिए पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है एनटीएससी पाल और सेकम, जो हमारे कलर टेलीविजन है, इन कलर टेलीविजन के सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए अलग अलग कंट्री अलग अलग तरह के सिस्टम का यूज करती है। जैसे एनटीएससी अमेरिका यूज करती है, पाल सिस्टम इंडिया यूज करती है, और सेकम फ्रांस यूज करती है। तो अलग अलग तरह के सिस्टम के द्वारा हमारा क्या होता है, ये कलर सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। तो इनके लिए अलग अलग तरह के बैंडविड्थ यूज किए जाते हैं, अलग अलग सारे का अलग है। तो इन इन सभी के बारे में जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है कंपेरिजन बिटवीन एनटीएससी पाल और सेकम। तो आप लोग इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ करके इसको याद कीजिएगा और इसको याद रखिएगा। याद करना बहुत इजी है, इसको याद करने के लिए एक कोई क्वांटिटी याद रखिए और उससे रिलेट करके याद रखिएगा, मैं अभी अभी बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग एनटीएससी पाल और सेकम के बीच में डिफरेंस। तो देखिए एनटीएससी पाल और सेकम, इन्हीं तीन के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए आता है या फिर किन्हीं दो के बीच में आएगा, जैसे एनटीएससी पाल के बीच में या पाल और सेकम के बीच में। तो ये दो के बीच में जब आएगा तो 4 नंबर में पूछा जाएगा, और जब तीनों के बीच में आएगा तो 6 नंबर में। तो इस तरह से यहां से ये क्वेश्चंस बनते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, ये जो पॉइंट्स हैं ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी हैं, इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इसको आप लोग ध्यान से याद कीजिएगा और इसको माइंड में कन्फर्म करके रखिएगा। ये एकदम इसकी फुल गारंटी है कि ये आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसके डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले हमारा क्या है, तो फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म की एनटीएससी पाल और सेकम के फुल फॉर्म क्या है, तो एनटीएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमिटी। याद रखिएगा ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। पाल का फुल फॉर्म क्या है, तो फेज अल्टरनेट बाय लाइन, ठीक है। उसके बाद सेकम का फुल फॉर्म क्या है, तो सिक्वेंशियल कलर एंड मेमोरी। तो ये तीनों का फुल फॉर्म आप लोग हमेशा याद रखिएगा। उसी के साथ साथ आइए इन्वेंशन जानते हैं कि ये इसका कब इन्वेंशन हुआ। तो ये एनटीएससी किसके द्वारा खोजा गया, तो यूनाइटेड यूएसए के द्वारा, और ये कब खोजा गया, तो 1957 में। पाल किसके द्वारा खोजा गया, तो ये जर्मनी के द्वारा खोजा गया, और कब खोजा गया, तो 1967 ईस्वी में। उसी तरह से सेकंड फ्रांस के द्वारा खोजा गया, और कब खोजा गया, तो 1917 में, ठीक है। उसी तरह से कौन कौन से कंट्रीज इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं, जैसे ये एनटीएससी अमेरिका के द्वारा खोजा गया, पर इसको और अलग अलग कंट्री भी एडॉप्ट किए हुए हैं। जैसे इंडिया जो है क्या यूरोपियन टेलीविजन सिस्टम पाल को एडॉप्ट किए हुए हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि एनटीएससी को यूएसए एडॉप्ट किए हुए, कनाडा और जापान, ये तीनों कंट्रीज का यूज कर रहे हैं। और भी कंट्रीज हैं, ये मेनली जो है कि हम लोग इसका नेम जानते हैं, इसलिए मैं इसका एग्जांपल यूएसए कनाडा जापान दिया हुआ है। उसके बाद है जर्मनी, ये जो पाल सिस्टम है, पाल सिस्टम के द्वारा ये जर्मनी इंडियन यूके, ये पाल सिस्टम इसका यूज कौन कर रहा है, तो जर्मनी खोजा और इसका यूज जर्मनी, और उसके साथ साथ इंडिया भी अडॉप्ट किए हुए है, और यूनाइटेड किंगडम भी इसको अडॉप्ट किए हुए है, ठीक है। उसी की तरह से सेकम है जो फ्रांस के द्वारा खोजा गया, तो इसका यूज फ्रांस और रशिया इसको अडॉप्ट किए हुए है, और भी कंट्री अडॉप्ट किए हुए हैं, एक दो एग्जाम्पल से ज्यादा है। फिर कह रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ कलर, ये जो क्या हो रहा था हमारा कलर टेलीविजन में, कलर को भी ट्रांसमिट किया जा रहा था, तो वो किस मेथड के द्वारा किया जा रहा था। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा क्रोमिनेंस सिग्नल था ट्रांसमीटर में रिसीवर में, तो क्या हो रहा था, बी माइनस वाई आर माइनस वाई, इस तरह से हमारा कलर वाला सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा रहा था। तो क्या किया जा रहा था, डिफरेंस मेथड के द्वारा यूज किया जा रहा था, आर माइनस वाई, बी माइनस वाई, जी माइनस वाई, जो कि ऑलरेडी रिसीवर पे पहले से ही मौजूद था। तो ये किसके द्वारा यूज किए जा रहे थे, तो बाय कलर डिफरेंस सिग्नल के द्वारा, ठीक है।
और इसी के जस्ट ये भी पाल में भी वही सिस्टम है, कलर डिफरेंस सिस्टम का ही। ये देखिए एरो दिया हुआ है, कहने का मतलब यही वाला यहाँ पे डॉट 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 आ जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे नहीं है इस तरह से। और इसमें भी वही सिस्टम है, बाई कलर डिफरेंस सिग्नल के द्वारा ही इसमें ट्रांसमिशन ऑफ कलर सिग्नल का किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कलर सब कैरियर। मैंने बताया था कि कलर वाले सिग्नल को भेजने के लिए एक अलग से सब कैरियर का इस्तेमाल किया जाता है। तो एनटीएसी सिस्टम में 3.58 मेगाहर्ट्ज और पाल सिस्टम में 4.43 मेगाहर्ट्ज और ये सेक्कम में 4.40 मेगाहर्ट्ज का यूज किया जाता है। उसके बाद है मॉड्यूलेशन ऑफ वीडियो। मॉड्यूलेशन ऑफ वीडियो क्या होता है, तो किस मॉड्यूलेशन के द्वारा हम लोग वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। तो एनटीएसी में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वीएसबी का यूज किया जाता है और पाल में भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वीएसबी का यूज किया जाता है। बट सेकम में जो वीडियो सिग्नल है वो किसके माध्यम से भेजा जाता है, तो एफएम के द्वारा भेजा जाता है। एफएम कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक के द्वारा सेकम में साउंड वाले भी और वीडियो वाले दोनों को एफएम के द्वारा ही सेंड किया जाता है। नहीं तो देखिएगा अभी आएगा कि साउंड वाले को किसके द्वारा, इन दोनों में तो कंफर्म है कि एफएम के द्वारा, पर सेकंड में अभी बताएंगे। तो फिर उसके बाद है वीडियो बैंडविड्थ। जो हमारा वीडियो होता है, वीडियो सिग्नल होता है, उसका बैंडविड्थ कितना है, तो एनटीएससी के लिए 4 मेगाहर्ट्ज, पाल के लिए 5 मेगाहर्ट्ज और सेकंड के लिए 6 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद आइए इंटर कैरियर फ्रीक्वेंसी। इंटर कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हमारा जो इंटरमीडिएट सिग्नल होता था वीडियो सिग्नल का, ऑडियो सिग्नल का, इन दोनों के बीच में जो उसके इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता था उसको कहते हैं इंटर कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो ये डिफरेंस हम लोगों ने एनटीएससी में कितना है होता है, तो 4.5 होता है मेगाहर्ट्ज, और ये क्या होता है, तो 5.5 मेगाहर्ट्ज होता है। ये पाल सिस्टम में हम लोगों ने देखा था साउंड वाले का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 38.9 मेगाहर्ट्ज और वीडियो वाले का 33.4 मेगाहर्ट्ज। तो उसमें से इसको घटा दे रहे थे तो क्या बच रहा था, 5.5 मेगाहर्ट्ज। तो इन दोनों के बीच का, तो यही कहलाता है हमारा इंटर कैरियर फ्रीक्वेंसी। उसी तरह से सेकंड में 6.5 मेगाहर्ट्ज होता है। तो ये देखिए एक का याद रखिए और उसके बाद पाल का इतना होता है, ये इस तरह से आप लोग इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिग्नल आइडेंटिफिकेशन सिग्नल का यूज किया जाता है, सिग्नल को पहचानने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एनटीएससी में नोट नीडेड है, कहने का मतलब एनटीएससी वाले में कोई भी सिग्नल को यूज नहीं किया जाता, आइडेंटिफिकेशन सिग्नल का इसमें यूज नहीं किया जाता, और पाल वाले में नीडेड है और सेकम वाले में भी नीडेड है। तो सेकम और पाल दोनों में हम लोग आइडेंटिफिकेशन सिग्नल का यूज करते हैं। तो चलिए ये इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में आप जानते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, नॉइज इम्यूनिटी। नॉइज इम्यूनिटी कहने का मतलब इसमें किसमें नॉइज को रिजेक्ट करने का क्षमता कितना है, उसको नॉइज को रिजेक्ट करने का क्षमता कितना है। तो एनटीएससी में हाई होता है, पाल में भी हाई होता है और सेकम का सबसे अच्छा होता है, मतलब वेरी हाई होता है, ठीक है। उसके बाद कर रहा है स्टूडियो मिक्सिंग। जो हमारा मिक्सिंग करने का काम है वीडियो और ऑडियो सिग्नल को, वो एनटीएससी में इजी है, पाल में भी इजी है, पर सेकम में थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट। कॉस्ट कैसा होता है एनटीएससी का, तो ये लेस देन पाल सिस्टम, पाल सिस्टम से लेस देन और सेकम से ज्यादा होता है ये कॉस्टली। उसके बाद है पाल। पाल है जो कि वेरी हाई कॉस्टली होता है और सेकम सबसे सस्ता होता है, ठीक है। उसके बाद है साउंड मॉड्यूलेशन। साउंड को भेजने के लिए कौन सा मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज किया जा रहा है, तो एफएम एनटीएससी में, पाल में एफएम और एएम सेकम में। तो सेकम जस्ट अपोजिट है एनटीएससी पाल का, तो किसी एक का याद रखिए और उसके अपोजिट इस तरह से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। तो ये जो आपका कंपेरिजन बिटवीन सेकम, पाल और एनटीएससी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में आते हैं और यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएंगे, जैसे फुल फॉर्म वगैरह, कब इन्वेंशन हुआ, कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है, तो ये सारे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो हमारा कलर टेलीविजन 5 यूनिट नंबर 5 कलर टेलीविजन है ये पूरा समाप्त हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ यूनिट नंबर 6 रिमोट कंट्रोल के बारे में जानेंगे। तो इसके साथ हम लोग नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे। तो मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा कि इसका नोट्स जरूर बनाएं और नोट्स बनाने के साथ साथ इसका आप लोग अभी से ही प्रैक्टिस करते रहें,
क्योंकि इस सेमेस्टर में रेडियो हो, टीवी हो, मेजरमेंट हो, माइक्रो प्रोसेसर हो या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो सारा का सारा आपका थ्योरी पेपर है और बहुत लार्ज है। तो इसको जितना ज्यादा आप लोग अभी से ही पढ़ते चलिएगा आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि जब लास्ट समय में सेमेस्टर का एग्जाम आता है, जब एक मंथ बचता है और तब आप अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल जान नहीं पाइएगा। उस समय आप लोग को बहुत ही अकबकाहट होगा, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर ये सारे परेशानियों से बचना चाहते हैं तो अभी आप 20 मिनट 15 मिनट हर एक लेक्चर 20 से 15 मिनट का होता है, आप लोग इसको पूरा देखिए, अच्छे से देखिए और जो भी टाइम जब भी टाइम मिले तो इसका रिवीजन जरूर किया कीजिए। और मैं बताते जाता हूं कि जो भी आप लोग को VBI ऑब्जेक्टिव या फिर क्वेश्चंस इस यूनिट से कैसा बनता है ये सारा मैं बताने के दौरान बताता हूं, तो उसको आप लोग जरूर नोट कर लिया कीजिए और उसको जरूर किया कीजिए। इससे आपको हेल्प मिलेगा सेमेस्टर एग्जाम में भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने में भी। तो चलिए आइए हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमोट कंट्रोल के साथ। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके।